वेलकम टू फूड कुटोर। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं गुजराती फरसान वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक पैन और गैस ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम कटलेट का मसाला तैयार करेंगे, तो इसके लिए एक तड़का तैयार करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल, जस्ट थोड़ा सा तेल ले। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ अनियन। यहाँ पे मैं एक छोटा सा अनियन ले रही हूँ और इसे मैंने एकदम बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इसी के साथ इसमें ले रही हूँ मैं लहसुन, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन, इसे भी मैंने चिली कटर में क्रश कर लिया है। इसी के साथ इसमें मैं ले रही हूँ अदरक हरी मिर्ची, इसे भी मैंने चिली कटर में क्रश कर लिया है। अब इसे सॉटे कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इसे कंटिन्यू हिलाएंगे। तेल में पकाया हुआ वेजिटेबल्स और आलू का जो मिक्सचर रेडी होता है कटलेट के लिए, वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस तरह से वेजिटेबल कटलेट बनाए। आप खास ध्यान रखें, इसे हाई फ्लेम पर ही सॉटे करें। लाइट गोल्डन कलर आए तब तक इसे सॉटे करें। ये अच्छे से अनियन हमारे सॉटे हो चुके हैं। अब इसमें डाल देते हैं वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैं ले रही हूँ फ्रेंच बीन्स, इसे मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, तो ये है 1/2 कप। इसी के साथ इसमें लिया है मैंने गाजर, इसे भी बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। केबेज यहाँ पे मैंने 1 कप के ऊपर थोड़ा सा लिया है। यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स कच्चे लिए हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक, ताकि हमारे वेजिटेबल्स है वो पक जाए। नमक स्वाद अनुसार डालना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बॉईल किया हुआ मटर, ये मैं 1/2 कप ले रही हूँ। मटर को मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, चिली कटर में बॉईल किए हुए मटर को क्रश कर ले। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच काली मिरी क्रश करके। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ फुदीना। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 छोटे चम्मच चाट मसाला। इसी के साथ इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ बॉईल किया हुआ आलू। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 बॉईल करके आलू। आलू को बॉईल करते समय आप खास ध्यान रखें, कुकर के अंदर पानी डालकर आलू डालकर वैसे बॉईल नहीं करना है। कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डालें और इसके ऊपर कोई भी एक स्टैंड रख दे, इसके ऊपर छन्नी रख दे और इसमें आलू डालकर इसे प्रेशर कुक करें। या तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं, या तो इस तरह से आप बॉईल भी कर सकते हैं, ताकि इसमें पानी ना रहे। आलू के साथ मसाला मिक्स कर लेते हैं। आलू को वेजिटेबल और मसाले के साथ अच्छे से पकाए, तभी जाके इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से सॉटे करें और इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो जल जाए तब तक इसे पकाएं। मसाला हमारा रेडी है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
अब हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 कप मैदा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब इसमें डाल देती हूँ नमक। अब इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे पतला बैटर चाहिए, गाढ़ा बिल्कुल नहीं। तो कितना पतला रखती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। बैटर हमारा रेडी है, चेक कर लेते हैं। चम्मच से ऐसे लेंगे तो ये जो बैटर है एकदम पतला होना चाहिए, पतला सा चम्मच को कोट हो वैसा ही हमें बैटर तैयार करना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, खास ध्यान रखें। अब देख सकते हैं पतला है, बैटर हमारा रेडी है। मिक्सर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून। इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ब्रेड क्रम्स, ये ड्राई ब्रेड क्रम्स हैं। अब इसे मैं अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके आलू में ज़्यादा मॉइस्चर हो, मीन्स गीला हो, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में भी डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद आप एक बार मिक्सर को चेक कर लें, अगर सॉल्ट या थोड़ा सा मिर्ची कम लगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। आप खास ध्यान रखिए आलू और वेजिटेबल वाला मिक्सर जो हमने रेडी किया था वो एकदम ठंडा हो, तभी इसमें ब्रेड क्रम्स डालना है, गरम गरम में बिल्कुल नहीं डालना है, वो आप खास ध्यान रखें। देख सकते हैं हमारा मिक्सर एकदम परफेक्ट है, हमें ऐसे ही मिक्सर चाहिए था। मेरे आलू स्टीम किए हुए हैं तो इसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट नहीं था, तो मेरा मिक्सर अच्छे से बना हुआ है। मिक्सर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैं तेल से हाथ ग्रीस कर लेती हूँ। अब ये वाला जो मिक्सर है इसका मैं गोला तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कटलेट का मोल्ड। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको करना है। वापस मैं एक गोला ले लेती हूँ और ये जो कटलेट का मोल्ड है इसमें मैं मिक्सर भर देती हूँ और दबा के अच्छे से भरना है। इस तरीके से अब इसे उंगली की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके अंदर का मसाला निकाल देना है। तो ऐसे ही सारे कटलेट रेडी कर लेते हैं। अब कटलेट को कोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर मैदे का जो बैटर लिया था इसमें मैं डिप कर लेती हूँ। एक हाथ से इसे डिप करना है और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। और इसे रख देते हैं प्लेट में। दूसरा भी कटलेट हम ले लेते हैं और इसे डिप कर देते हैं, दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेते हैं। और इसे प्लेट में रख देते हैं। तो ऐसे ही सारे कटलेट रेडी कर लेते हैं। और एक साइड मैंने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी एक कटलेट में से एक्स्ट्रा जितना भी ब्रेड क्रम्स है वो निकाल देंगे हाथ की मदद से ऐसे, ताकि हमारा तेल खराब ना हो। तो ऐसे ही सारे कटलेट में एक्स्ट्रा जो ब्रेड क्रम्स है वो निकाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, इसके बाद कटलेट डालने के बाद गैस की फ्लेम स्लो कर दें। पहले आपको एक डाल के चेक करना है। तेल हमारा परफेक्ट गर्म हुआ है,
अभी इसमें मैं कटलेट डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं कटलेट हमारी कितनी बढ़िया रेडी हुई है, एकदम परफेक्ट कलर आया है। प्लेट में रख देते हैं। तो ऐसे ही सारे कटलेट तल लेते हैं। वेजिटेबल कटलेट बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे मैंने ग्रीन चटनी, टोमेटो केचप और मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और एक रेसिपी के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।